हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शुक्रिया पंकज जी। इमरान खान को जब भी मौका मिलता है तो वो तालिबान की तरफदारी शुरू कर देते हैं और इमरान ने अमेरिकी अखबार में तालिबान के लिए एक आर्टिकल भी लिखा है। ये भी कहा है कि पैसे मिले तभी तालिबान अपने वादे पूरे करेगा। पाकिस्तान के वजीर आजम ने तालिबान को और वक्त देने की रिक्वेस्ट की है। पिछले 15 दिनों में इमरान खान कम से कम 5 बार तालिबान की बातें रख चुके हैं। ये देखकर पाकिस्तान के लोग सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें लगता है कि इमरान अब तालिबान के अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए इमरान की तालिबान फाइल में कितने सीक्रेट। ये जो आप अफगान तालिबान का वकील बन जाते हैं ना, इसके पाकिस्तान को इसका बहुत भारी कीमत अदा करने पड़ेगा। वो आपको बता रहे हैं कि आपको दुनिया का मामा चाचा बन के हमारे से बात करने की जरूरत नहीं है, ना ही हमारा मामा चाचा बन के आपको दुनिया से बात करने की जरूरत है। क्या इमरान खान साहब इस ए टॉडलर, एक दूध पीता बच्चा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में? ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही शोधी हरकत है, ये बहुत ही नीच हरकत है कि आप उनके मामे खान बन गए। आज फोरम के ऊपर बताएंगे जी। इमरान खान ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है। दुनिया में शायद ही कोई मंच बचा है जहां वजीरे आजम या उनके मंत्रियों ने तालिबान की डिमांड्स नहीं रखी। इमरान खुद तालिबान के अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर है। तालिबान के लिए कप्तान की डिमांड्स सुनकर पूरा पाकिस्तान परेशान है। सब कह रहे हैं इमरान तुमसे ना हो पाएगा। हम क्यों रोजाना बैठकर तालिबान को बताते हैं कि आपने कैसी हुकूमत बनानी है, उनके ऊपर जोर डालते हैं, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा आगे बढ़कर या तालिबान का नुमाइंदा बन जाते हैं या दुनिया का नुमाइंदा बन के तालिबान से बात करते हैं तो दोनों को ये बात पसंद नहीं आती। यही पाकिस्तान की एक कोशिश है। एक तरफ वो तालिबान की लीडरशिप को कह रहा है मत लड़ो, ठहर जाओ, नबी ना करो, हम करवा देते हैं, हम ये कर देते हैं, वो कर। उधर लोग मान नहीं रहे हैं पाकिस्तान की बात। उधर ताजिकिस्तान में जाके इमरान खान उनको समझाता है और वो घर आता है और ताजिकिस्तान का प्रेसिडेंट जो कुछ और बात कर देता है। तो इस किस्म की चीजें चल रही हैं। इस वक्त जो माहौल है बाहर का, वो तालिबान को दिन ब दिन ट्रस्ट करना, उन्होंने उन पर एतमाद करना छोड़ दिया लोगों ने। और सिवाय पाकिस्तान की जिसकी कोशिश है कि किसी तरीके के साथ लोगों को साथ रखा जाए। इस महीने इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मंच पर तालिबान की डिमांड्स पढ़कर सुनाई। इमरान खुद तालिबान की हर बात मानते हैं। ऐसा लगता है काबुल से तालिबान का ऑर्डर सीधे इमरान को ही मिलता है। तालिबान के लिए बड़ी बड़ी फेंकने वाले इमरान अमेरिका नहीं जा पाए तो अमेरिकी अखबारों में तालिबान के वकील बन गए। इमरान खान ने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में आर्टिकल लिखकर तालिबान को मदद देने की मांग की। वजीरे आजम के मुताबिक तालिबान को पैसों की मदद मिली तभी वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे। दुनिया को डराने के लिए इमरान ने यह भी कह दिया कि अगर तालिबान की बात नहीं मानी गई तो अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलेगा। ये देखकर पाकिस्तान बहुत परेशान है। वहां की आवाम मानती है कि उनका वजीरे आजम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में उसे कुछ नहीं आता। अब कहते हैं कि आर्मी जो इस वक्त ताकते हैं वो पाकिस्तान को स्केप गोट बना रहे हैं। क्या इमरान खान साहब इस ए टॉडलर, एक दूध पीता बच्चा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, या पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस जो है, जो कम से कम इंडियन ट्रेडिशन जो है 1857 की ट्रेडिशन है, उसको नहीं पता कि इंटरनेशनल स्केपगोट बनते होते हैं। इस वक्त रीजन में आप हो, आपको अभी भी ये समाग में नहीं समाती कि आपकी अपनी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तालिबान पर पाकिस्तान की कोई तय पॉलिसी नहीं है लेकिन तालिबान का फंडा क्लियर है। उसके लड़ाके तो अफगान बॉर्डर पर ही ट्रकों पर लगा पाकिस्तानी झंडा उतार कर फाड़ देते हैं। इसके बावजूद नियाजी ने वफादारी में कोई कसर बाकी नहीं रखी। वो हर मंच पर तालिबान की कसमें जरूर खाते हैं। अगले महीने पाकिस्तान में अमेरिका से एक बड़ा मेहमान आएगा और इस्लामाबाद में वजीरे आजम ने अपनी लिस्ट बनानी शुरू कर दी है।
अमेरिका के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वेंडी शर्मन 7 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगी। CIA डायरेक्टर के बाद ये पाकिस्तान के लिए सबसे हाई प्रोफाइल विजिट है, लेकिन अमेरिका की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से पहले इंडिया जाएंगे। पाकिस्तान के लिए इंडिया विजिट का एक और मतलब है, टेंशन ये है कि टेरर के मुद्दे पर पाकिस्तान के सारे मार्क्स कट जाएंगे। असल में आतंक का मुद्दा आते ही अमेरिका को पाकिस्तान का डबल गेम याद आ जाता है और फिर इमरान की कोई सफाई काम नहीं आती। ये जो आप अफगान तालिबान का वकील बन जाते हैं ना, इसके पाकिस्तान को इसका बहुत भारी कीमत अदा करने पड़ेगा। वजह उसकी ये है कि वहाँ अमेरिका को और पूरे नेटो को हजीमत उठानी पड़ी है। उनका सालों से ये नैरेटिव था कि जी हमने पाकिस्तान ने हमारे साथ डबल गेम किया है। पाकिस्तान का ये नैरेटिव है कि नहीं, डबल गेम आप लोगों ने किया है, हमने तो आपकी जंग में हिस्सेदार बन के कुर्बानी दी है। तो अब इस स्टेज पे जब वो अपने जख्म चाट रहे हैं तो आप जब उनके जख्मों पे नमकपाशी करते हैं तो आगे जाके तो उन्होंने हमारे साथ फिर हिसाब बराबर करना है। तालिबान को अब तक किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है, उसकी वजह है अफगानिस्तान से आए महिलाओं पर अत्याचार के ये सबूत। ऐसा करके तालिबान ने बता दिया कि उनकी पिछली सरकार और इस हुकूमत में कोई अंतर नहीं है। पाकिस्तान ने बदल गया तालिबान वाला नैरेटिव पेश किया था। इमरान ने दावा किया था कि ये तालिबान पहले से अलग हैं, यहाँ महिलाओं की भी सुनी जाएगी और अफगान आवाम से बदला भी नहीं लिया जाएगा। अफगानिस्तान से आई तस्वीरों ने दुनिया का भ्रम मिटा दिया, लेकिन इमरान अब भी कंफ्यूजन का शिकार है। मैं समझता हूँ 90 की दहाई में नहीं, बल्कि ये 90 साल बल्कि 900 साल पीछे ले जाना चाहते हैं अफगानिस्तान को। और बुनियादी तौर पे मैं यही बार बार दोहराता रहा हूँ कि ये बात हमें समझने की है कि ये एक इंतहा पसंद और बुनियाद परस्त ग्रोह है। इस ग्रोह का वहाँ ताकत के जोर पर कब्जा करना ना अफगान आवाम के मफाद में है ना हमारे मफाद में है। इसके असरात पाकिस्तान पर भी मनफी पड़ेंगे, ना ही पाकिस्तान को ये चाहिए कि जितने जोश व खरोश से ये दुनिया में इनकी तर्जुमानी और वकालत कर रहे हैं ये करें। ये हमारे अपने गले पड़ जाएगा। अफगानिस्तान हमारे लिए एक बड़ी लाइबिलिटी बनने जा रहा है, जिसको सोवियत यूनियन और अमरीका ठीक ना कर सके वहाँ पाकिस्तान नुकसान ही उठाएगा, फायदा। अफगानिस्तान को बर्बाद करके तालिबान मजे से झूला झूल रहा है और इस बर्बादी में फायदे का सपना देखने वाले पाकिस्तान की भी तबाही तय है। अफगानिस्तान में सिर्फ महिलाओं की ही नहीं पुरुषों की जिंदगी भी बहुत टफ है। अफगान तालिबान ने हजामों को हुक्म दिया है कि ना तो वो दाढ़ी काटें और ना ही शेव करें। तालिबान पुलिस के मुताबिक हजाम शरिया कानून का पालन करें और इस ऑर्डर को ना मानने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। इसके लिए बाकायदा सैलून के बाहर नोटिस भी चिपका दिया गया है। तालिबान की हुकूमत हिटलर की तरह एक के बाद एक दूसरे फैसले ले रही है और पाकिस्तान इन्हें मान्यता दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए है। दुनिया उनसे एक कहेगी कि आप खुद क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करते। इधर हमारे स्टेट का डिसीजन ये है कि हम रीजनल कंट्रीज और बाकी दुनिया के साथ मिलके उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। दूसरा तालिबान ये कहते हैं कि तुम इतना हमारा अगर वकील बनते हो तो पहले तो हमारी हुकूमत को रिकॉग्नाइज करो ना। तो क्या इमरान खान उसको रिकॉग्नाइज करते हैं और रिकॉग्नाइज करे तो उसकी अपनी प्राइस है। आप पब्लिकली ये चीजें क्यों करते हैं? आप जब इस वक्त ये बात करते हैं तो दुनिया के उस इल्ज़ाम को आप तक़वियत देते हैं अमेरिका और उसके कि हाँ तालिबान का दरपर्दा पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। तालिबान की तरफ से जो इशारे मिल रहे हैं बड़े वाज़े मिल रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आपको दुनिया का मामा चाचा बन के हमारे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारा मामा चाचा बन के आपको दुनिया से बात करने की ज़रूरत है। तो बेहतर है कि पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी को रिकास्ट करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान की सरकार सेना और ISI मिलकर तालिबान की इतनी मदद क्यों कर रही है, इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा, एक आतंकी संगठन के लिए पाकिस्तान इतना जोखिम क्यों उठा रहा है? तो साफ लफ्जों में जवाब समझिए। पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया से मदद लेकर पाकिस्तान अपने आतंकियों का सॉलिड नेटवर्क बना रहा है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि तालिबान की मदद से वो अफगानिस्तान के अरबों डॉलर पर कब्जा कर लेगा।
पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म प्लान काबुल की मदद से इस्लामाबाद को आगे ले जाने का है, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकार कहते हैं कि तालिबान का सहारा लेकर इमरान ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। मैं जाती तौर पे इसको बहुत खौफनाक समझता हूँ, इसे पाकिस्तान के मुस्तकबिल से खिलवाड़ समझता हूँ, इसे मुस्तकबिल के पाक अफगान ताल्लुकात के ऊपर खुदकुश हमला समझता हूँ। अगर आप मेरी राय लें तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही शोधी हरकत है, ये बहुत ही नीच हरकत है कि आप उनके मामे खान बन गए राहत फोरम के ऊपर बताएगा जी। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त इस बात को इंतहाई संजीदगी से लिया जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग लगे हुए हैं और चूंकि वो हमारी तो बात मानते नहीं है, इसलिए हम सिर्फ अपना आपको बता सकते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स की सलाह भी नहीं मान रहे, अफगानिस्तान के सहारे अपने मुल्क की कंगाली दूर करना चाहते हैं। इमरान खान को चीन से इशारा मिल गया है। चीन की कोशिश चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को अफगानिस्तान तक ले जाने की है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और चीन के साथ तालिबान की कई मुलाकातें हो चुकी हैं। पाकिस्तान को मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट से अपनी इकोनॉमी दुरुस्त करने का रास्ता दिख रहा है। इस चक्कर में इमरान ने तालिबान का पक्ष इतनी बार रखा कि दुनिया इनको ही तालिबान का असली रिप्रेजेंटेटिव समझती है। इसी महीने इमरान की दुशांबे विजिट में ये बात साबित हो चुकी है। कोई गैरतमंद लीडर आतंकियों के लिए ऐसा नहीं करेगा, लेकिन नियाजी अगर समझदार होता तो ये काम ही क्यों करता? इनके इस तालिबान की वकालत की वजह से उस रोज जब ये ताजिकिस्तान की सदर के साथ बैठे तो उससे पहले उन्होंने शाह महमूद कुरैशी की खूब ठुकाई की थी, शाह महमूद कुरैशी को खूब सुनाई थी और ताजिकिस्तान का सदर इमरान खान से इस अंदाज में बात कर रहा था कि जैसे वो तालिबान के अमीरुल्मोमिनीन से बात कर रहा हो। तो एक तो ये है कि तालिबान के हवाले से दुनिया आपसे डिमांड्स पर करेगी और तालिबान इस वक्त खुद मुख्तार है, वो फाते हैं, उनका दुनिया के साथ बराह रास्त रबता है, वो आपकी बात 100% नहीं मानेंगे। लाख ढूंढने के बाद भी आजकल इमरान को अच्छी खबरें नहीं मिल रही। इस बीच अमेरिका से पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर और आ गई। आतंकवाद पर अमेरिकी कांग्रेस की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 12 आतंकी संगठनों का ठिकाना है। इसमें जैश और लश्कर जैसे 5 टेरर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनके टारगेट पर भारत है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के तालिबान से भी गहरे ताल्लुकात हैं। इसलिए इमरान से जब भी पाकिस्तान का कोई मंत्री मिलता है तो सबसे ज्यादा पूछताछ इसी पर होती है। अमेरिका में उसके हमनसब एंथनी ब्लिंकन ने जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को मुलाकात बख्श दी, ठीक है। अब उसने जनाब मुलाकात के हवाले से आई तई जो मुंह में आया बोल दिया। एंथनी ब्लिंकन साहब ने 2 लफ्जों की ट्वीट की तो मुलाकात हुई है और 2 तरफा हमूद और अफगानिस्तान के ऊपर बात हुई है। ये जालसाज जाली पीर जो है डब्बा पीरी है, वो बता रहा था कि मैंने कश्मीर के ऊपर टोसियत पेश किया, ये किया वो किया, उसको एंथनी ब्लिंकन ने अपनी उसके अंदर मेंशन करना भी जरूरी ख्याल नहीं। तालिबान का पक्ष रखने से पाकिस्तान का कितना भला होगा ये क्लियर नहीं है, लेकिन वहां की आवाम का फंडा एकदम क्लियर है। अब पाकिस्तान को पता है कि नियाजी के लिए जैसे ख्यालात वो रखते हैं दुनिया भर में, और यहां तक कि पड़ोसी तालिबान भी वैसा ही सोचता है। तालिबान ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि ये हैंडपिक्ड है फौज। ये किस किस्म की रेपुटेशन है एक लीडर ने अपने बारे में बना ली है कि अमेरिका से लेकर अफगानिस्तान तक लोग एक ही बात कर रहे हैं। तो संजीदगी से सोचना चाहिए कि ये अमर के फौज ने हैंडपिक किया इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब जो हैं उनकी अपनी अथॉरिटी नहीं है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये लोग 30 बार खान बनना चाहते हैं मुफ्त में और वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग में, क्योंकि देखें है तो अब मुसीबत ये है कि उस रोज तालिबान के नईम ने भी बैठ के उनको कह दिया कि तुम्हारी क्या हैसियत है, आप तो हैंड पिक्ड हैं खुद, आप कोई जेन्युइन इलेक्शन में तो नहीं आए हैं। अब अफगानिस्तान के बारे में उनकी नॉलेज का तो आज भी ये आलम है कि इससे पहले उन्होंने हक्कानियों को हक्कानी कबीला करार दिया, पख्तूनों का कबीला करार दे दिया। तालिबान से बेइज्जती और धमकी के बावजूद इमरान अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसा रिलेशन दो देशों या दोस्तों के बीच नहीं होता, ऐसा तब होता है जब एक देश तन कर खड़ा हो और दूसरा उसके सामने बिना मांगे ही सरेंडर कर दे। हाय,
एंड सुरभी शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।